बयान हमने सुना कि वो बहुत बेचैन है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, और उनकी बेचैनी इतने हद दर्जे की बढ़ गई कि उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जो फील्ड में काम नहीं कर सकता वो बता दें। आदरणीय शिवराज जी, आपके लगातार बयान, भाषण और निर्देश, इसका असर अधिकारियों पर पड़ना बंद हो गया। आप देखो कि एसआई जाटव, संतराम सिंह जी और भार्गव जी, इन्हीं की सिर्फ हत्या नहीं हुई। एसडीओ पर ट्रैक्टर चढ़ाना 22 मई को हुआ था 2021 में। पीआई को घेर कर पीटा गया था 4 फरवरी ग्वालियर में 2021 में। फिर 7 दिसंबर को डिप्टी रेंजर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था। आईपीएस अफसर को ट्रैक्टर से कुचलकर 8 मार्च को भी घटना घटी थी, तब भी आपके ऐसे ही बयान आए। शिवराज जी, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए ग्वालियर चंबल में हो रहा है कि आपने ठेके पे दे दिया है ग्वालियर चंबल उनको, जिन्होंने आपकी सरकार बनाई। मुख्यमंत्री का आप दायित्व नहीं निभा रहे हो, सत्ता जो खरीदी और बेची उसका कर्ज अदा कर रहे हो। शिवराज जी, ये तंत्र पुलिस विभाग का रात दिन लगा रहता है, उसकी हत्याएं होती है। सरकारी कर्मचारी आपके ही राज में सबसे ज्यादा क्यों मरते हैं? गृह मंत्री का क्या दायित्व है? रोज सुबह टेलीविजन पे सज धज के आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, दिल्ली चले जाते हैं और आपको हटाने का षड्यंत्र रचते हैं। उसके बाद भी आप इतने डरे हुए और निसहाय हैं कि गृह मंत्री से कारण भी नहीं पूछ सकते कि एनसीआरबी के आंकड़े लगातार बताते हैं कि मध्य प्रदेश में तांडव है कानून व्यवस्था का, कबाड़ा हो गया है। गुना की घटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसको एक मंत्री का संरक्षण है, हत्या में सामने आया, उस मंत्री से तो इस्तीफा बनता है नहीं बनता है? शिवराज जी, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बनाओ। 18 साल बहुत बड़ा समय होता है एक मुख्यमंत्री के लिए। नरेंद्र मोदी जी 12 साल में प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री रहने के बाद आप ही के नेता हैं। कृपा करो, इससे ज्यादा हवस एक पद की कैसे आपके मन में है? मेरी समस्या, हम जैसे पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की समस्या बाहर है, पद की लालसा उसका प्रमाण है। आप मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते तो कारण तो पूछ लो कि ये हत्यारे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ही संरक्षण में क्यों पले और बड़े हैं? हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और इस तरह के लोग जो कानून व्यवस्था बिगाड़ते हैं, वो ही क्यों रोज सामने आते हैं और आप निसहाय और असहाय दिखते हैं? शिवराज जी, कृपा करो इस मध्य प्रदेश पे, ये शहीद, इनसे प्रेरणा लो और शहादत न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठा। गृह मंत्री से कारण पूछो और वो मंत्री जिसने इनको संरक्षण दिया उससे इस्तीफा ले लो। इतनी सत्ता की खरीदी का कितना कर्ज मध्य प्रदेश की जनता चुकाएगी, इससे निजात दिलाओ। और बेचैन आप ही नहीं हो, बेचैन मध्य प्रदेश की जनता है, मध्य प्रदेश का जन जन है, यहाँ का युवा है, यहाँ का कर्मचारी है, यहाँ के अधिकारी है, जो आपकी अकर्मण्यता के कारण दुखी है। शिवराज जी, कृपा करो, कुछ तो कार्रवाई करो। धन्यवाद।